हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान और गणित की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजस्थान LDC एग्जाम और CET एग्जाम के लिए। जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन आपके दे रखा है या दैनिक विज्ञान का जो आपके पोर्शन दे रखा है, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज तक हमारी क्लासेस 119 हो चुकी है। कितनी? 119 क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास नंबर 120 के अंदर मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी पूरी की पूरी एक नई यूनिट, कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। इससे पहले की सभी क्लासेस, उसमें जो है हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को कंप्लीट किया है, वो सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज एकदम सिस्टमेटिकली आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हमारी केवल दो ही जो है टॉपिक्स रहे हैं, एक तो हमारा ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद में आप लोगों के लिए विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। गणित के अंतर्गत हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दी है और अब एक नई यूनिट वैदिक गणित को जो है मैं शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद में उसमें भी 5 यूनिट कंप्लीट होने के बाद 2 ही यूनिट्स रहने वाली है। तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये संपूर्ण बैच एकदम निःशुल्क है। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया गया है, विद्यापीठ ऐप का नाम है, ठीक है? और उस ऐप को जो है डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, देखो बायो का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, जीव विज्ञान की बात की जाती है, और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो बेसिकली जो हमारा जीव विज्ञान है, उसके साथ में जब टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाता है तो एक नया सब्जेक्ट बन करके आता है और वो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का सबसे पहले जो है बेसिक मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई भी ऐसी तकनीक है ना, जिस तकनीक के माध्यम से हम जैविक प्राणियों या सजीवों या उनसे व्युत्पन्न पदार्थ का जो है उपयोग करके किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए हम एक नया उत्पाद या फिर प्रक्रिया जो है कर सकते हैं, और उस प्रक्रिया के निर्माण से जो है या फिर उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार का रूपांतरण करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके हम जो है एक नया उत्पाद बनाते हैं, और जो ये प्रोसेस किया गया, ये जो प्रक्रिया की गई, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी एक सजीव है अपने पास में, उसके अंदर अपन किसी न किसी माध्यम से कुछ नई चीज ऐड करेंगे और फिर एक नया उत्पाद बनाएंगे। वो जो उत्पाद बनेगा, वो ही प्रक्रिया ये जो पूरी हुई, वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो आप सभी लोग लिखेंगे कि कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जिसमें जैविक प्राणियों सजीवों यानी जो जीवित है, ठीक है, सजीवों या व्युत्पन्न पदार्थ, व्युत्पन्न पदार्थ का मतलब डेरिवेटिव मैटर, ठीक है, पदार्थ का उपयोग किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, कोई
पर्टिकुलर, जैसे अपन अभी आगे पढ़ेंगे, क्लोनिंग के लिए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है, इसी प्रकार से जो है हमारे पास में टू बेबी जो आपका है ना, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है ना, जिसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं और एक बेबी का कन्वर्जन होता है, इस प्रकार से अलग अलग जो है विशिष्ट प्रकार के कुछ कार्य के लिए, कार्य के लिए उत्पाद या के लिए उत्पाद या प्रक्रियाओं, प्रोसेस या प्रक्रियाओं के निर्माण, के निर्माण या रूपांतरण, या रूपांतरण, एक रूपांतरण, ठीक है, तो प्रक्रियाओं के निर्माण करना है, या तो या फिर अपन जो है कई बार रूपांतरण भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, रूपांतरण में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, क्लियर। ये तो केवल एक डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आप आगे लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए अब अपन जो है एक बार समझ चुके हैं, तो अब अपन आगे थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास अब क्या आ जाता है, तो आप लिखेंगे एक अपने पास में है यूरोपीय, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कई बार सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म आई है, इसलिए EFB के अनुसार, है ना। तो इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वो हमें समझना है, वो हमें याद रखना है। तो यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी एक संघ है, अब ये संघ क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में आपको नहीं जानने की जरूरत, आपको केवल और केवल इसके अनुसार एक डेफिनेशन है वो याद रखनी है, और इसके अनुसार डेफिनेशन है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, सेवाओं के लिए, ठीक है, नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाना है, या फिर नई सेवा प्रदान करनी है यानी सर्विस के लिए, प्राकृतिक जीव विज्ञान यानी नेचुरल बायोलॉजी जो है, उस नेचुरल बायोलॉजी के साथ में, जब अपन प्राकृतिक जैव विज्ञान के साथ में, या फिर हम ये कह सकते हैं जीवो, प्राकृतिक जीव विज्ञान जीवो, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं, ठीक है, स्टेम सेल वाला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो कोशिकाओं व उसके अंग, व उसके अंग तथा आण्विक अनुरूपों का समायोजन, आण्विक अनुरूपों का समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन, ठीक है, समायोजन ही जैव प्रौद्योगिकी है, समायोजन ही जैव प्रौद्योगिकी है, क्लियर। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूरोपीय जैव जो बायोटेक्नोलॉजी संघ है उसके अनुसार ये है कि नए उत्पाद बनाने हैं या नई सेवाएं प्रदान करनी है, तो उसके लिए जो प्राकृतिक जीव विज्ञान है, कोशिकाएं हैं, जीव है या अंग है,
उनके साथ में आणविक अनुरूपों का जो है समायोजन करना, यानी कि जो मॉलिक्यूलर रूप से एडजस्टमेंट करके भाई नई एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। जैसे अभी जो है एक आपने देखा होगा कि नई एक प्रकार की जो है प्रक्रिया चल रही है या एक नया जो है इलाज निकल करके आया है कि जो हाइट कम रह जाती है तो हाइट बढ़ाने का क्या करते हैं उसके अंदर, कि बेसिकली जैसे देखिए ये सिर्फ ऐसे समझा रहा हूं, ये मान लीजिए एक पैर है और ये इसका पूरा ऐसे ज्वाइंट भाग था, ठीक है, लेकिन क्या किया जाता है हाइट बढ़ानी है तो इसके बीच में से ऐसे जो है कट कर दिया जाता है, कट करके पैर को नहीं हड्डी को तोड़ा जाता है दो भागों में बराबर एकदम, ठीक है, फिर इस भाग को ऊपर रखा ये वाला भाग नीचे रहेगा, बीच में जो है गैप क्रिएट किया जाता है और यहां पर फिर जो है एक क्या डाल दी जाती है रॉड डाल दी जाती है स्टील की, जैसा कि आप लोग जानते होंगे पैर वगैरह टूटने पर पैरों के अंदर स्टील डाली जाती है, तो ये रॉड डाल दी जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इनके पास में ऐसी दवाइयां लगाई जाती है इस हड्डियों पर जिससे कि यहाँ पर इस रॉड के चारों ओर धीरे 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 हड्डियां आ जाती है और इस प्रकार से उसकी हाइट बढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो ये जो क्या किया गया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है इनका समायोजन किया गया, तो ये जो है बेसिकली क्या कहलाएगा, तो इस प्रकार से समायोजन करना ही ये एक पूरी की पूरी क्या है बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसा यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ कहता है। अब हम जो ये बार बार एक शब्द पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो इस बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया ये भी हमें पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था कार्ल अर्के ने, किसने किया था कार्ल अर्के ने, तो ये याद रखना कार्ल अर्के, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कार्ल अर्के द्वारा किया गया था, और कब किया गया, तो इनके द्वारा ये शब्द यूज किया गया था 1917 के अंदर, तो द्वारा वर्ष 1917 में किया गया 1917 में किया गया था, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था कार्ल अर्के ने किया था 1917 के अंदर किया था। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए इसकी कुछ सिद्धांत है उनको हमें समझना होगा, तो अब हम आगे लिखेंगे क्या, तो पहले जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को समझते हैं, तो अब हेडिंग डालेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, बेसिकली जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं, दो सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत यहां पर निकल करके आता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आ जाता है रासायनिक इंजीनियरिंग यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब तो होता है बेसिकली कि जो ये टेक्नोलॉजी होगी इसके अंदर जीन्स जो होते हैं उन्हीं में जो है परिवर्तन करके एक नए प्रकार का उत्पाद बनाया जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं जिनको बना करके हम क्या करेंगे कि जैसा अब एक जीव है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकली चेंज करके हम एक ऐसा जीव बनाएंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार अभी अभी ऐसी फसलें भी बनाई जा रही है जो क्या होती है कीड़े मकोड़े उनके ऊपर नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है उनके बीजों में ऐसे जो है रासायनिक चेंज किए गए हैं जिससे कि वो ऐसे द्रव को छोड़ते हैं जिस द्रव के कांटेक्ट में आने पर वो मच्छर है या कीड़ा है वो मर जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक जो है रासायनिक इंजीनियरिंग हुई, और अगर उसके अंदर जीन्स के रूप में ही कुछ चेंज कर दिया जाता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहां पर कितने सिद्धांत है, दो, कौन कौन से, तो पहला सिद्धांत इसके अंदर आ जाता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये याद रखना इंजीनियरिंग,
ये तो हो जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग। दूसरा आपके पास में आ जाएगा रासायनिक केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इन दोनों के बारे में अब अपन पढ़ते हैं और जानते हैं ये क्या होते हैं। देखिए आपके सिलेबस के अंदर मैं पहले ही बता दूं, केवल ये दे रखा है कि जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, और उसके बाद में सीधा बायो पेटेंट, और उसके बाद में ट्रांसजेनिक जीन, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीव जो है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे और बायो पेटेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो सामान्य जानकारी बायोटेक्नोलॉजी की है वो अपन ले रहे हैं, इसलिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। कोई भी ये नहीं सोचे कि बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिद्धांत वगैरह हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी काम आएगी, इसलिए चलो। हाँ, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को लगे सो जल्दी जल्दी पूरा करें, भाई जल्दी जल्दी क्या, नाच दौड़ के तो पूरा नहीं करवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। और आपका एग्जाम 11 अगस्त को है और जून के अंदर ही मैं जो है पूरा का पूरा करवा दूंगा, क्योंकि दो ही तो टॉपिक रहे, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, बाकी पीछे का पढ़ते रहो ना, किसने मना किया, रिविजन पे रिविजन मारो। आप पहले से पढ़ रहे होंगे, तो अब नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती है नहीं, ठीक है। चलो हाँ, तो इसलिए बार बार कोई कमेंट नहीं करेगा, टाइम बढ़ाओ वो करो। हाँ, जैसे पूरी तो देखते ही है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, मैं तो ऐसे के ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, है ना। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आपकी इच्छा, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंदर लिखेंगे कि इस तकनीक द्वारा, इस तकनीक द्वारा, इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, तो आनुवंशिक पदार्थों, आनुवंशिक पदार्थों, अब आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ आप लोगों को पता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थों में, आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन लाकर, परिवर्तन लाकर, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थों के अंदर परिवर्तन लाकर इसे परपोषी जीव, अब परपोषी का मतलब क्या होता है, तो होस्ट, ठीक है, क्या, तो परपोषी का मतलब होता है, या परपोषी जीव का मतलब होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसको होस्ट कौन कर रहा है, जैसे अपने क्रिकेट मैच को कौन होस्ट कर रहा है, फुटबॉल के मैचों को कौन होस्ट कर रहा है, तो होस्ट करने वाले को अपन क्या कहेंगे, परपोषी जी। तो इसे जो है परपोषी जीवो, इसके ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में परपोषी जीवो में प्रवेश कराकर, प्रवेश करा कर, प्रवेश कराकर इसके समलक्षी, इसके समलक्षी, समलक्षी का मतलब क्या हो गया, समान लक्षण वाले, ठीक है, समलक्षी में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो इसके अंदर बेसिकली आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करेंगे, और फिर परिवर्तन करके उसको परपोषी जीवों के अंदर अपन क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, होस्ट यानी प्रवेश करवा देंगे, और प्रवेश करवाने के बाद जो परिवर्तन आएगा उसी से क्या होगा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं अब कि रासायनिक इंजीनियरिंग क्या होती है, रासायनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए रासायनिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, तो इसमें क्या होगा कि सूक्ष्म जीव सदूषण, सूक्ष्म जीव सदूषण, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव सदूषण रहित, सदूषण रहित, सूक्ष्म जीव सदूषण रहित, इसका मतलब क्या, क्योंकि यहां पर शब्द शब्द ही काम आने वाले हैं, तो सूक्ष्म जीव सदूषण रहित मतलब ऐसा सूक्ष्म लिया जाता है, सूक्ष्म जीव
जो संदूषण रहित यानी उसके अंदर जो है दूषण किसी प्रकार का कोई दोष वगैरह नहीं हो, है ना। ऐसा जीव जैसे कि जो कीड़े वगैरह नहीं पड़ रहे हो, जो खराब नहीं करता हो फसल को, ऐसा जीव अपन ढूंढेंगे पहले, तो जो क्या होगा संदूषण रहित होगा। फिर संदूषण रहित अपन ने क्या करा, अब वहां पर वातावरण बना दिया अपन ने, एनवायरमेंट कैसा कर दिया क्रिएट, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदूषण नहीं है यानी प्रदूषण नहीं है। तो वातावरण क्या करेंगे बनाकर, केवल वातावरण बनाकर मतलब माहौल बनाकर, केवल वातावरण बनाकर केवल वांछित यानी जिसकी जरूरत है ना। ये शब्द अपनी सब आपके काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना। वांछित सूक्ष्म जीवो, वांछित सूक्ष्म जीवो, वांछित सूक्ष्म जीव का मतलब है जिनकी अपन को जरूरत है। तो वांछित सूक्ष्म जीवो या इसी को अपन कहते हैं सकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि, सकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवो या जिसे अपन सकेंद्र की कोशिका भी कह सकते हैं, उन कोशिकाओं में वृद्धि कर, उन कोशिकाओं में क्या करेंगे वृद्धि करेंगे और अधिक मात्रा में क्या करेंगे उनका अपन क्या करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन करेंगे। तो अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण करेंगे, जैसे इसके अंदर अब उदाहरण लिखेंगे, जैसे प्रतिजैविकों यानी एंटीबैक्टीरियल्स, ठीक है, प्रतिजैविकों, या इस प्रकार से अपन कुछ टीके भी बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन जो है एंजाइम्स का भी अपन क्रिएट कर देते हैं कई बार, ऐसे जिनकी अपन को ज्यादा जरूरत हो, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है, क्लियर, अंडरस्टैंड व्हाट ऑफ थ्योरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो दो सिद्धांत है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग, वो भी समझ में आ गए होंगे। हाँ, अब इनके में जो है देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग मैंने बताई दिया, अनुवांशिक पदार्थों के अंदर परिवर्तन किया जाएगा। रासायनिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले जो है जितने भी सूक्ष्म जीव वो संदूषण रहित अपन इकट्ठे करेंगे और फिर उसमें से भी देखेंगे कि जो गुण अपने को ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस गुण का जो है अपन क्या करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन करेंगे। अब देखिए इनको मैं समझाता हूं, जैसे कि आपने जो है अभी वर्तमान के अंदर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा टमाटर आते हैं ना, पहले टमाटर जो देसी आया करता था, वो देसी टमाटर जो हुआ करते थे वो एकदम जो है बढ़िया कैसे आते थे कि एकदम लाल आते थे, टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा हुआ करता था, और अगर जो है एक दो दिन पड़े रहते थे तो खराब हो जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब खेतों से मंडी तक पहुंचते थे तो कई अधिक मात्रा में टमाटर खराब होने लगे, है ना, और जो खरीदार थे वो भी गीले टमाटर लेकर नहीं जाते थे, थोड़ा भी दबा हुआ होगा तो आपको पता है, और अपने मम्मी क्या करे है बाजो मेले न न न न न, और अब आप गलती से भी कभी गीले टमाटर घर लेके गए तो मम्मी इतना सुना देगी कि आपको लगेगा कि अगली बार या तो टमाटर लाऊंगा तो टाइट लाऊंगा, नहीं तो टमाटर लेने ही नहीं जाऊंगा, है ना। अब वहां पर फिर ये समस्या बढ़ने लगी, इससे किसानों को नुकसान होने लगा। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में सोचा कि कैसे इस चीज से बचा जा सकता है, कैसे इस समस्या से समाधान किया जाए। तो उन्होंने पता है, अब आपको पता होगा कि टमाटर आने लगे कड़क रहते हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा प्लास्टिक वाला फ्लेवर भी आने लग गया है ना, ऊपर ऊपर प्लास्टिक टाइप का लगता है कभी कभी, और ना आजकल जो है उन टमाटर के अंदर टेस्ट आने लगा है। अब वो क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है टमाटर जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए हैं कि उनकी जो ऊपर वाली परत है वो कड़क रह गए। तो ये क्या हो गया, एक बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया। वहां पर उसमें क्या किया, जीन्स के अंदर ही जो है चेंज कर दिया गया, तो उसे क्या क्या गया जेनेटिक, ठीक है।
रासायनिक के अंदर क्या होगा कि टमाटर वैसा का वैसा रहता, आजकल शेप भी अलग आने लगा, पहले टमाटर का शेप भी अलग आता था, तो अब पहले जो टमाटर उसका तो पूरा ही जीन ही चेंज कर दिया। लेकिन मान लीजिए पहले वाले जो टमाटर थे जो शेप वगैरह सब वही रखा जाता, केवल उसके अंदर ऐसा कुछ रासायनिकली चेंज किया जाता कि वो फीके हो जाते या जो है खट्टे हो जाते, तो वो क्या कहलाता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता। समझ में आई बात। तो ये है जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत। अब हम जो है कुछ हमारे दैनिक जीवन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कह दिया जाता है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी होती है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी होती है, येलो बायोटेक्नोलॉजी है। तो इनका सबका किससे संबंध है ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके लिए अब लिखेंगे सबसे पहले रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब होता है जब आप जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, अब मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूं कि इससे संबंधित है और इसको रेड बायोटेक्नोलॉजी, सीधे से बात है रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी चिकित्सा क्षेत्र, ऐसे याद रखना। दूसरा अपने पास में आ जाता है इसके बाद में व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। अब व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का संबंध है औद्योगिक लेवल पर, जब इंडस्ट्रियल लेवल पर उत्पादन होता है या इंडस्ट्री के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उनके अंदर जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो व्हाइट टेक्नोलॉजी। तो आप क्या लिखोगे यहां पर कि आपके औद्योगिक यानी इंडस्ट्री, तो औद्योगिक उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन व प्रक्रिया में। ठीक है, ये याद रखना दूसरा वाला। इसके बाद में तीसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो देखो रेड और व्हाइट हो गई, इसके बाद में आ जाती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी आ जाती है? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ठीक, अब देखिए ग्रीन यानी कि हरी बायोटेक्नोलॉजी, हरी जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका उपयोग कहां पर होगा? तो इसका उत्पादन किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। हरा भरा भाग तो क्या होता है? कृषि वाला, तो कृषि के क्षेत्र में। तो ऐसे भी सीधे सीधे याद रखना। ठीक है भाई, देखो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है, छीरा फाड़ होती है, पोस्टमार्टम होते हैं, खून वगैरह निकलेगा तो डॉक्टर के पास भागोगे, खून कैसा होता है? लाल कलर का। लाल कलर यानी रेड बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात। व्हाइट सीमेंट का उपयोग कहां पर होगा? तो इंडस्ट्री के अंदर है ना, व्हाइट सीमेंट होता है, व्हाइट चूना वगैरह होता है, वो कहां पर उपयोग में लाया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादनों में। तो वो कैसे हो जाएगा? व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। हमारे कृषि जो है, खेत है जो, वो कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं, यानी कि हरी बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे याद रखना। चौथा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बाद में आ जाता है येलो बायोटेक्नोलॉजी यानी पीली बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी, अब देखो येलो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, पीली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, तो बेसिकली जो हमारे पास में कीट वगैरह है वो कैसे होते हैं? पीले कलर के होते हैं। अब वो कीट वगैरह जो है वो अगर पड़ जाए, कीड़े मकोड़े जो होते हैं कीटों के लिए जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है येलो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि कीटों के लिए। ठीक है, तो कीटों के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसे अपन कहेंगे येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में पांचवें नंबर पर आपके पास में आ जाती है ब्लैक या फिर डार्क। ठीक है, तो ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है, ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी? तो बेसिकली जो आपके जैविक पर, जैव यानी बायोलॉजी के आधार पर जो आतंक होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बंदूक लेकर के कोई मारेगा, नहीं, जैविक आधार पर है ना, मतलब बायोलॉजिकली
हम ये कह सकते हैं जैसे किसी के है ना ऐसा रोग हो जावे कि पूरी के पूरी जो है गांव के गांव खत्म होने लग गए, या जो है संतान ही नहीं हो, इस प्रकार के जो जैव आतंक होते हैं उनसे संबंधित जो है ब्लैक या डार्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो लिखेंगे जैव आतंक से संबंधित, ठीक है, किससे संबंधित होगी, तो ये हमारे ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित होगी। छठा इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी नीली जैव प्रौद्योगिकी। तो नीला कलर किसका होता है, हम हमेशा मानते हैं पानी का। पानी कहां पर होता है, समुद्र में। तो हम क्या कहेंगे कि समुद्र एवं अन्य जो जलीय जीव है उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी को कहेंगे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो आप लिखेंगे समुद्री, यानी ओशियन, समुद्री व अन्य जलीय जीवों से संबंधित, संबंधित, ठीक है। तो समुद्री व अन्य जलीय जीवों से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसे अपन कहते हैं ब्लू बायो टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 बायोटेक्नोलॉजीज हैं जो अलग अलग आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। चीरा फाड़ खून खराबा कहाँ होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसे क्या कहेंगे, रेड बायोटेक्नोलॉजी। औद्योगिक उत्पादन होगा तो व्हाइट चूना वगैरह वहां निकलेगा ही, तो उसे क्या कहेंगे अपन, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। हमारे कृषि जो है वो कैसी होती है, हरे भरे खेत होते हैं, तो हरे भरे खेत है यानी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। हमारे जो कीट पतंगे होते हैं, तितलियां वगैरह होती है, वो पीले कलर की होती है यानी येलो बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जैव आतंक आएगा तो क्या आएगा, बुरे दिन आएंगे, है ना, कहते हैं ना किसी के घर पे अगर किसी की डेथ हो जाए तो क्या कहा जाता है, ब्लैक डे, है ना। ऐसे ही हमारे जो 26/11 का अटैक है वो भारत के लिए 26/11 का जो अटैक था वो ब्लैक डे था। इसके अलावा जो हमारे पुलवामा अटैक हुआ था उसे भी हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। तो ब्लैक डे कब होता है, जब आतंक टाइप का कुछ हरकत हो यानी जैव आतंक आ जाए। और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यानी पानी, पानी क्योंकि ब्लू होता है, अरे वो है ना कहते हैं ना कि आज है ब्लू पानी है ब्लू ब्लू, क्या कौन सा गाना है भाई, मेरे को नहीं याद है, ठीक है। तो वो जो गाना होता है ना, आज है पानी ब्लू ब्लू, आज भांग तूने मिलाई हवा में, पता नहीं कैसे कैसे सॉन्ग निकाले गए। तो वहां पर जो है आप याद रख सकते हैं कि ब्लू जो है पानी होता है, और पानी कहां पर होगा, समुद्र में होगा, समुद्र के अंदर कौन रहेंगे, जलीय जीव रहेंगे, जलीय जीव कहां से रिलेटेड होंगे, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी से। इस प्रकार से टोटल ये 6 बायोटेक्नोलॉजी थी जो आपके यहाँ पर समाप्त होती है। आप इनको एक बार नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने इन चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जो है अगली क्लास के अंदर सीधे ही क्या लेकर के आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के जो उपयोग पर आधारित कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद में बायो पेटेंट और ट्रांसजेनिक जीव, इस प्रकार से इसके अंदर टोटल 6 से 7 लेक्चर्स आएंगे। ये कह सकते हैं कि ये हफ्ता पूरा ही जो है इस पर आधारित चलेगा। उसके बाद में अगले हफ्ते लगभग अपन सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, और उसके बाद अपना खेल यहाँ पर थ्योरिटिकली रूप से देखेंगे तो साइंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे भी बहुत सारी चीजें लेकर आगे आऊंगा, आप धैर्य बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।